रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट फ्रांच जो कि एक स्टूडेंट होता है, सेकंड एम हैमल जो कि फ्रेंच के टीचर होते हैं, थर्ड प्रूसियन सोल्जर्स जिसे फ्रेंच स्कूल आते टाइम नोटिस करता है, फोर्थ विलेज पीपल जो कि एम हैमल से मिलने आए होते हैं, और लास्ट ओल्ड हाउसर जो रहता है वो लास्ट क्लास में इतना भावुक हो जाता है कि वो रोने लगता है। जो इस समरी का फर्स्ट पॉइंट है वो फ्रेंच का कंडीशन को जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से सुबह में फ्रेंच स्कूल जाने के लिए रेडी होता है लेकिन उस सुबह उसको लेट हो जाता है। वो एम हैमल से डांट सुनने वाला होता है इसलिए वो अफ्रेड रहता है, और डांट सुनने का कारण ये होता है कि एम हैमल कुछ होमवर्क दिए होते हैं जैसे क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, तो उसका वो फर्स्ट वर्ड तक नहीं जानता है। उसके मन में विचार आता है कि कैसे भी कुछ भी करके वो स्कूल ना जाए और घर से बाहर जाके अपना दिन और समय व्यतीत करें, क्योंकि वो जो दिन था वो बहुत वार्म और ब्राइट था, जो बर्ड्स थे वो चहचहा रही थी, और जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो जो सॉ मिल था जिसे हम लोग आरा मशीन कहते हैं उसके ठीक पीछे एक ओपन फील्ड था। उस ओपन फील्ड में वो क्या क्या करते थे कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे होते थे। उसके मन में ऐसा विचार आता है कि जाके वो देखना चाहिए, वो कीन इंटरेस्टेड होता है, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि अरे मुझे स्कूल जाना है, और इसके वजह से वो क्या करता है कि तुरंत हरी करता है और आगे बढ़ता है स्कूल के लिए। फ्रेंच नोटिस सम अनयूजुअल थिंग्स। सेकेंड पॉइंट ये है, जब फ्रेंच स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि जो टाउन हॉल होता है वो टाउन हॉल के पास में वहीं पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, और बुलेटिन बोर्ड उस समय इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि किसी प्रकार का कोई नोटिस देना हो तो उसे दिया जा सके। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, और वो फ्रांस से कहता है कि फ्रांस इतने जल्दी जाने की क्या हो सकता है, तुम आराम से स्कूल पहुंच सकते हो बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। यूजुअली क्या हुआ करता था कि स्कूल शुरू होने से पहले ये कॉमन बात थी कि डेली कुछ ना कुछ आवाज़ हुआ करता था, लेकिन उस दिन एकदम अनयूजुअल चीज़ देखने को मिला फ्रेंड्स को। ऐसा प्रतीत हो रहा था वो संडे की सुबह है, संडे को जैसे सब चीज़ बंद रहता है एकदम वैसा ही सन्नाटा रहता है। अब क्या देखता है फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचते ही कि जो टीचर था उसका एम हैमल वो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ है। जो टीचर रहता है कि वो ये सारी चीज़ें तब पहनता है जब किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल होता है स्कूल में। जब क्लास में जाता है तो देखता है कि गांव के कुछ लोग हैं जो कि क्वाइटली बैठे रहते हैं, जो एम्प्टी बैक बेंच होता है वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं वो थोड़े से सैड दिखाई देते हैं। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। पता नहीं होता है कि जो हॉसर होता है वहाँ पे एक व्यक्ति है वो ओल्ड प्राइमर आखिर में लाया क्यों होता है। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज होता है, और ड्रास्टिक चेंज होने का कारण ये होता है कि जो एम हैमल होते हैं उन्हें अब वो जगह छोड़ के जाना होता है, क्योंकि कंडीशन ये होता है कि अब जो स्कूल वहाँ पे रहता है स्कूल ऑफ एलेस एंड लोरेन वहाँ पे बस जर्मन ही पढ़ाया जाना था, और जो नए मास्टर आने वाले थे वो नेक्स्ट डे आने वाले थे। और साथ में ये भी होता है कि वो जो दिन रहता है जिस दिन फ्रेंच को लेट हो गया होता है स्कूल के लिए, उसे पता नहीं होता है कि वो फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। फ्रेंच का लास्ट लेसन, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके लास्ट लेसन की बात हो रही है। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। अब उस दिन क्या था कि एम हैमल जो थे उनके मन में एक ही विचार था कि आज तो कम से कम सब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो क्या रहे, अटेंटिव रहे। फ्रेंच को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखित होता है, ही फेल्ट सॉरी। जब फ्रेंच जो होता है वो देखता है ये सारी चीज़ें कि एम हैमल उसके लेट आने पे जो उसको हमेशा स्कोल्ड किया करते थे वो उसे स्कोल्ड भी नहीं किए, और आराम से उसे बोले कि आराम से जाके अपने जगह पे बैठो, उससे क्वेश्चन वगैरह जो पूछने वाले थे वो अभी पूछे नहीं हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो ये क्लास है इसको बहुत अटेंटिवली सुनना। उसको समझ में आ गया कि आखिर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चीज़ें इस पूरे स्कूल में बदलने वाला है, सब चीज़ वो समझ जाता है। और ये भी समझ जाता है कि आखिर में ये जो मिस्टर एम हैमल हैं वो आज नया ड्रेस क्यों पहने हैं।
उसे ये भी ध्यान आता है कि आखिर में ऐसी क्या बात है जिसके वजह से जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो पता चलता है कि ये जो गांव के लोग हैं वो उस मास्टर को, उस टीचर को 40 इयर्स फेथफुली कार्य करने के लिए उनको धन्यवाद अर्पित करने आए हुए हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट क्लास रहता है और इसके बाद वो पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता है, इसलिए गांव वाले वहां पे आए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि जो एम हेमल है उनका साइलेंस होना और फ्रेंड्स का कंफ्यूजन कैसे दोनों एक दूसरों को दूसरे से टैली कर रहा है। एम हेमल जो रहते हैं वो फ्रेंड से कहते हैं रिसाइट करने के लिए, जो वो पूछने के लिए होमवर्क दिए होते हैं वो पूछते हैं उससे, लेकिन उस समय फ्रेंड्स एकदम साइलेंस में खड़ा रहता है, वो एकदम साइलेंट हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। जो टीचर रहते हैं एम हेमल वो उसे स्कूल तक नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये फ्रेंच का लैंग्वेज है ना, फ्रेंच लैंग्वेज वो बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, और कहते हैं कि बहुत क्लियरेस्ट भी है और बहुत लॉजिकल भी है। वो कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि इसे तुम याद रखोगे या भूलोगे, लेकिन एक चीज़ जान लो कि ये तुमको गार्ड करेगा और इसे कभी भूलना नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस कैद में अभी तुम होने जा रहे हो उस कैद से छुटकारा दिलाने का जो चाबी है वो कौन कौन सा लैंग्वेज है, वो है फ्रेंच, इसको तुम लोग कभी भी मत भूलना। उस दिन उन्होंने उन लोगों को ग्रामर में कुछ लेसन पढ़ाया, कुछ लिखवाया, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही समय बाद जो पिजन होते हैं वो बहुत स्लोली कू करते हैं। फ्रेंच के दिमाग में ये बात चलता है कि कहीं कंडीशन ऐसा ना आ जाए कि पिजन को भी, जो जर्मन के जर्मन वाले जो तानाशाह है, पिजन को भी मजबूर ना कर दें जर्मन बोलने पे। ऑल द वाइल एम हैमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग और द अनदर। चूंकि जो एम हैमल थे 40 साल से कार्यरत थे और वो उस समय चेयर पे बैठ के एकदम मोशनलेस हो चुके थे और अपने आंखों से इधर उधर चीज़ों को देख रहे होते हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ दर्द रहता है कि 40 साल यहाँ काम करने के बाद अब समय आ गया है उनको विदा लेने का। चूंकि ये जो एम हैमल हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि अब उन्हें अगले दिन निकलना है, क्योंकि उनकी जो बहन रहती है अपने साथ साथ एम हैमल का भी सब जो भी सामान होता है उसको पैक कर रही होती है, क्योंकि अगले दिन उनको वो कंट्री छोड़ के अपने दूसरे जगह पे जाना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम हैमल्स लास्ट लेसन विच वॉज गेटिंग ओवर। वॉट हैपेंस दैट आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। जब लिखना पढ़ना हो गया तो उन्होंने हिस्ट्री का भी एक लेसन कवर किया। देन द बेबी चैंटेड बा बा बी बो बू। जब हिस्ट्री का भी लेक्चर हुआ उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे थे वो इस तरीके से बा बा बी बी बो ऐसा किए। इवन जो वहाँ पे बूढ़ा हाउसर था वो भी रो रहा था। रोने का कारण ये था कि एम हैमल इतने साल वहाँ पे रहे हैं और अब उनके जाने का समय निकट आ चुका है। अचानक से फिर क्या होता है कि चर्च का क्लॉक बजता है और उस समय मिड डे प्रेयर होना होता है, और हमेशा उसी समय पे मिड डे प्रेयर होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेस्ट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो। क्या होता है कि जिस समय मिड डे प्रेयर हो रहा होता है उसी समय जो प्रूसियन सोल्जर्स का ड्रिल निकला हुआ होता है वो स्कूल से क्रॉस करता है। एम हैम्बल जो रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण वो अपने आप को चुप कर लेते हैं। समथिंग समथिंग चोक्ड हिम, समथिंग चोक्ड हिम, ही वॉज अनएबल टू स्पीक एनीथिंग। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, ही टुक अ पीस ऑफ चौक, और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लार्ज शब्दों में लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कहा नहीं और अपने इशारों में इधर उधर देखा, और उसके बाद कुछ नहीं कहते हुए बस उन्होंने एक जेस्चर बनाया और अपने हैंड से इंडिकेट किया कि अब स्कूल डिसमिस हो गया और जितने भी लोग हैं वो अब जा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे लास्ट लेसन आपका समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।